नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीति साहू आप सबका स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल FS ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। अब अनेकार्थी शब्द किसे कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका एक से अधिक अर्थ होता है। ठीक है, जिनका जो है एक से अधिक अर्थ होता है। जैसे ये अनेकार्थी शब्द कोई भी शब्द है जिसको हम जो है अलग अलग अर्थ के रूप में जो है प्रयोग करते हैं, और ये अनेकार्थी शब्द जो हैं परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, अनेकार्थी शब्द जो है परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं। तो अनेकार्थी शब्द किसे कहेंगे? जैसे देखिए, जैसे हल लिखा है हमारा। ठीक है, हल लिखा है। अब इस हल का बहुत सारा मीनिंग होता है, एक से अधिक मीनिंग होता है, एक से अधिक अर्थ होता है। हल का मतलब होता है खेत में चलाने वाला, खेतों में चलाने वाला यंत्र। ठीक है, जो हम खेतों में चलाते हैं, किसान जो है खेतों की जुताई करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसको जो है हल कहा जाता है। और सेकंड इसका क्या अर्थ होता है? हल, किसी प्रश्न का हल ढूंढना। ठीक है, प्रश्न का हल या प्रश्न का जवाब या उत्तर, ये भी जो है हल कहलाता है। जैसे हम गणित का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो चलिए इसे हल करते हैं ऐसा बोलते हैं ना, तो इस हल का जो है दो मीनिंग हो जाता है। एक होता है हमारे हल का मीनिंग होता है खेतों में चलाने वाला यंत्र, और सेकेंड होता है हमारा किसी प्रश्न का जवाब या उत्तर। तो ये हम पहले परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए। अब देखते हैं अनेकार्थी शब्द की परिभाषा क्या होती है, अनेकार्थी शब्द किसे कहा जाता है। तो अनेकार्थी शब्द उसे कहा जाता है जिसका एक से अनेक अर्थ हो, जिसका एक से अधिक अर्थ होता है। ठीक है, अनेकार्थी शब्द वे शब्द हैं जिसका एक से अधिक अर्थ होता है, एक से अधिक अर्थ होता है। और ये अनेकार्थी शब्द जो है परिस्थिति के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। जो परिस्थिति होती है ना उसके अकॉर्डिंग जो है इसका उपयोग किया जाता है, परिस्थिति के अनुसार इसका प्रयोग होता है, परिस्थिति के अनुसार प्रयोग। आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका एक से ज्यादा अर्थ होता है। आइए अब हम लोग जो है अनेकार्थी शब्दों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका जो है एक से ज्यादा अर्थ होता है। तो आइए देखते हैं अनेकार्थी शब्द, उदाहरण। ठीक है, यहाँ पे हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अक्षर, ठीक है, अक्षर लिखा है। ये अक्षर, अक्षर का क्या क्या अर्थ होता है? तो एक अक्षर मीन्स होता है हमारा वर्ण। जो वर्ण होते हैं ना, हिंदी के जो वर्ण होते हैं उनको भी जो है हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। इसके अलावा ईश्वर, जो भगवान होते हैं है ना, जो ईश्वर है उनको भी जो है अक्षर कहा जाता है। इसके अलावा शिव जी को भी अक्षर कहा जाता है। जो शिव जी है तो शिव जी को भी जो है अक्षर कहा जाता है, शिव जी का एक नाम जो है अक्षर है। और इसके अलावा अक्षर और किसे कहते हैं? अक्षर जो है जो नष्ट ना होने वाला हो, नष्ट ना होने वाला, नष्ट ना होने वाला, जो नष्ट नहीं होता। ठीक है, जो नष्ट नहीं होता उसे भी जो है हम अक्षर कहते हैं। अब हमारा सेकेंड शब्द है अनंत। ठीक है, हमारा सेकेंड शब्द है अनंत। अब अनंत, अनंत का क्या क्या अर्थ होता है? एक तो आकाश को हम अनंत कहते हैं। ठीक है, आकाश को अनंत कहते हैं। और किसको कहते हैं? जो सर्पों का राजा होता है, सर्पों का राजा, जो सर्पों का राजा होता है
ठीक है। सर्पों के राजा को भी जो है अनंत कहा जाता है। इसके अलावा जिसका अंत ना हो, जिसका क्या ना हो, अंत ना हो, जिसका अंत ना हो, अंत ना हो, ठीक है, जिसका अंत ना हो उसे भी जो है अनंत कहा जाता है। इसके अलावा अज, अज का क्या क्या अर्थ होता है, एक तो होता है अज, अज मीन्स बकरा, ठीक है, अज मीन्स बकरा, अज बकरा को जो है अज कहा जाता है। इसके अलावा अज और किसे किसे कहा जाता है, और जो है और किसे कहा जाता है, ब्रह्मा, जो ब्रह्मा है उसको भी जो है अज कहा जाता है। इसके अलावा शिवजी, जो शिवजी हैं तो शिवजी को अज कहा जाता है। इसके अलावा अंक, अंक, ठीक है, अंक मीन्स क्या होता है, अंक नॉर्मल से जो गिनती होती है, जो डिजिट हम लोग हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं ना, जो 1 2 3 4 5 6 ये जो अंक होते हैं, डिजिट होते हैं, उनको जो है अंक कहा जाता है। तो गिनती के अंक, गिनती के अंक, और किसे कहा जाता है अंक, और नाटक, नाटक के जो भाग होते हैं, नाटक के जो पार्ट होते हैं उसको भी अंक कहा जाता है, नाटक के अंक, नाटक के अंक मीन्स भाग, वो कितने भागों में है, जो नाटक है वो कितने भागों में दिखाया जा रहा है, तो वो उसे जो है अंक कहा जाता है। इसके अलावा अध्याय, जैसे हम बोलते हैं ना, आज के अंक में हमने ये, आज के अंक में हमने ये सब पढ़ा, ऐसा, तो अंक मीन्स अध्याय, अध्याय कल, ठीक है, कल हमारा शब्द है। अब इस कल का अनेकार्थी शब्द क्या क्या होता है, कल मीन्स कल जो है बीता हुआ कल, आने वाला कल, और कल मीन्स फर्स्ट तो हमारा होता है मशीन, हम कई बोलते हैं ना कल कारखाने, कल कारखाने मीन्स क्या होगा, जो जहाँ पे मशीनें होती है उसको जो है कल कारखाने बोलते हैं। कल, कल मीन्स क्या होता है, मशीन, और कल का उपयोग हम बीते हैं, बीता हुआ कल, आने वाला कल, इस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा बल, ठीक है, बल, बल का क्या क्या अर्थ होता है, बल मीन्स होता है दल, ठीक है, दल, दल मीन्स समूह, जैसे हम नॉर्मल सी चीज़ है, किसी समूह को बताने के लिए तो हम बोलते हैं ये राम का दल, ये श्याम का दल, तो समूह बताने के लिए जो है दल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, समूह, समूह बताने के लिए, और किसके लिए जो है दल का उपयोग होता है, सेना, और जो क्या होता है, पत्ता, पत्ता को भी हम दल कहते हैं, ठीक है, ये इतने दल में है, मतलब जब हम मात्रा बताते हैं ना तो बोलते हैं कि ये जो है इतने दल में है, ऐसा। इसके अलावा जो और क्या होते हैं, भाग होता है, ठीक है, जो भाग होता है, भाग मीन्स हिस्सा वाला भाग, उसमें जो है हम दल का भाग, है ना, ये जैसे हम अलग अलग भाग में कर दिए रहते हैं, अब उसको हम बोलते हैं कि ये इस, ये जो है इस भाग में है, ये इस भाग में है, तो उसको जो है, जो है बोला जाता है कि ये इस दल में है, राम, ये राम के दल में है, ये श्याम के दल में है, ये ऐसा जो है भाग, टुकड़ियों में, टुकड़ों में बांट दिए रहते हैं, वहाँ पर भी दल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पयोधर, देखिए पयोधर का उपयोग जो है कहाँ कहाँ पे किया जाता है, किन किन शब्दों के लिए किया जाता है,
तो पयोधर का उपयोग सबसे पहले तो बादल, जो बादल का पर्यायवाची होता है वो पयोधर होता है ना, बादल को बताने के लिए पयोधर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो पर्वत है, ठीक है, जो पर्वत होता है उसको भी हम जो है पयोधर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा गन्ना, जो हमारा गन्ना होता है उसको भी हम पयोधर कहते हैं। अब पयोधर मीन्स क्या होता है? पय मीन्स क्या होता है? पानी, है ना, तो पानी को धारण करने वाला पयोधर। अब ये पयोधर बादल भी पानी को धारण करता है, पर्वत जो है पानी को आकर्षित करता है ना, और गन्ना, गन्ना में भी जो है क्या होती है, गन्ने में रस होती है, उसके कारण भी इसे इसको जो है पयोधर कहा जाता है। इसके अलावा पत्र, ठीक है, पत्र, पत्र जो है, एक तो हम पेड़ की पत्तियों के लिए पत्र का उपयोग करते हैं, पत्ता, ठीक है। इसके अलावा जो चिट्ठी वाला पत्र होता है वो पत्र, ठीक है, चिट्ठी के लिए जो हम करते हैं वो पत्र। इसके अलावा जो हमारे समाचार पत्र होते हैं उसके लिए भी पत्र शब्द का उपयोग किया जाता है, समाचार पत्र। इसके अलावा जो पन्ना है, पन्ना, पेज, उसके लिए भी पत्र का उपयोग किया जाता है। फल, देखिए, फल, फल का भी जो है अनेक अर्थ होता है। जैसे फल, फल मीन्स हम आमतौर पर जो खाने वाला फल होता है, ठीक है, आमतौर पर जो खाने वाला फल है, जैसे हम सेब हो गया, अंगूर हो गया, पपाया हो गया, जितने भी फल है उनको हम ऐसा जो है फल ही कहते हैं। अब उन फलों के नाम जो है अलग अलग होते हैं, तो एक फल तो खाने वाला फल, ठीक है, खाने वाला फल, और दूसरा क्या होता है, किसी रिजल्ट, जैसे किसी परीक्षा का जो परिणाम होता है उसको भी जो है हम फल कहते हैं। तो ये सेकेंड हो गया हमारा परीक्षा का फल, परीक्षा फल, ठीक है, परिणाम। और क्या होता है फल का, फल मीन्स लाभ भी होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि इसने बहुत मेहनत की, इसका इसे फल मिल गया, तो फल मीन्स क्या होता है, लाभ, लाभ भी जो है। भाग, ठीक है, भाग मीन्स, भाग का क्या, किसमें किसमें उपयोग करते हैं, भाग मीन्स हिस्सा भी, हिस्सा होता है, ठीक है। इसके अलावा और किसमें उपयोग करते हैं, विभाजन, विभाजन, जब हम बांटते हैं तो उस समय भी हम भाग शब्द का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो हक होता है, ठीक है, जो हक होता है, हक जताने के, जैसे हम बोलते हैं ना ये मेरा भाग है, ये उसका भाग है, तो ये मेरे हिस्से का है, ये मेरे हक का है, ऐसा बताने के लिए जो है हम भाग शब्द का उपयोग करते हैं। कर, कर लिखा है, अब कर शब्द का क्या क्या मीनिंग होता है, फर्स्ट तो हमारा होता है हाथ, ठीक है, हाथ, फिर कर का किरण, फिर और किसके लिए, जो हाथी का सूंड होता है, ठीक है, जो हाथी का क्या होता है, सूंड होता है, हाथी का सूंड, इसको बताने के लिए जो है कर शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारा गुरु, ये गुरु है, गुरु, गुरु मीन्स क्या होता है, एक तो होता है हमारा गुरु मीन्स बड़ा, ठीक है, गुरु मीन्स बड़ा, और आचार्य, जो आचार्य होते हैं ना उसके लिए भी गुरु का उपयोग किया जाता है, आचार्य, शिक्षक, ठीक है। इसके अलावा भारी, ठीक है, भारी चीज को बताने के लिए भी जो है गुरु शब्द का उपयोग किया जाता है। आइए कुछ और शब्दों के बारे में जानते हैं जिनका जो है अनेकार्थक शब्द कौन कौन सा होता है। जैसे हमारा दिया है तात, ठीक है, तात लिखा है, तो तात का और क्या क्या अर्थ होता है, तात मीन्स होता है हमारा पिता, ठीक है, भाई, तात का जो है हम क्या क्या उपयोग करते हैं, पिता को भी जो है तात बोला जाता है, भाई को भी जो है तात बोला जाता है, और इसके अलावा जो बड़ा होता है ना, बड़ा, बड़े होते हैं उनके लिए भी तात का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो पूज्य होते हैं,
इनके लिए भी तात शब्द का उपयोग किया जाता है। जो सर, ठीक है सर, एक तो हमारा सर, ठीक है, इस सर के लिए जो है सर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सर का उपयोग अमृत, जो अमृत है, तो अमृत है, अमृत को बताने के लिए भी जो है सर का, सर शब्द का उपयोग किया जाता है, या अमृत को सर कहा जाता है। इसके अलावा दूध, पानी, इन सब को भी जो है हम सर कहते हैं। इसके अलावा जो क्षेत्र होता है, क्षेत्र, ठीक है, जो क्षेत्र, क्षेत्र मीन्स क्या होता है, क्षेत्र मीन्स होता है खेत, खेत को जो है क्या कहा जाता है, भूमि का टुकड़ा, क्षेत्र, ठीक है, भूमि का जो टुकड़ा होता है उसको क्षेत्र कहा जाता है। फर्स्ट कहा जाता है, जो खेत होता है उसको क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा जो देह, हमारा शरीर है, देह, ठीक है, इसको भी क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा जो तीर्थ होते हैं उनको भी क्षेत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने अनेकार्थक शब्द के बारे में जाना और पढ़ा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।